और हम लुनेनबर्ग पहुंच चुके हैं। ये वहां बहुत सुंदर नजारा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पानी के एकदम पास जाएं और यहाँ पे गाड़ी एकदम पास तक जाती है। ओ धन्यवाद माता जी। सभी हर जगह हेलोवीन की तैयारी चल रही है और हम आगे चलते हैं। पॉन्डीचेरी टाइप का व्यू है और सामने से गाड़ी आती हुई यहाँ पे हम अच्छे पेडिस्ट्रियन की तरह सिग्नल देके जाएंगे। हम सिग्नल नहीं देंगे बेसिकली, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गाड़ी क्रॉस करने का इंतज़ार करेंगे। क्रॉस कर चुके हैं और हम चलते हैं पानी के पास। सो दिस इज अगेन बैक वाटर ऑफ अटलांटिक ओशन और काफ़ी मशहूर छोटा सा टाउन, शांत। और ये घर के जो आर्किटेक्चर से डिज़ाइन है एकदम मस्त, कलरफुल देखने में। एंड दिस इज़ दी हार्बर अथॉरिटी ऑफ लुनेनबर्ग। इधर जा सकते हैं, तो ये पानी के पास इस साइड में शायद बंद है, राइट? इधर चलते, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ओनली। वाह, क्या नजारा है भाई। मस्ता है। सो हम आ पहुँचे हैं लुनेनबर्ग। दिस इज़ दी हिस्टोरिक साइट ऑफ कैनेडा एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी का दर्जा भी इसको मिला हुआ है इस टाउन को। छोटा सा टाउन है, बहुत ही खूबसूरत, अटलांटिक ओशन के आसपास। और ये पीछे में छोटा सा डॉक यार्ड है जहाँ पे पीछे एक मस्त शिप है जो कि अभी करेंटली रिपेयर चल रहा है इसका। और इसके पीछे देखिए ये एक और बड़ा सा बोट है जो सामान वामान शायद लेके जाते हैं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल इधर से उधर से होता है। एंड पीछे जैसे मैं दिखा रहा था कि यहाँ पे बहुत से क्यूट क्यूट कलरफुल हाउसेज हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऊपर में नीला आसमान और मेरी मूछें इस जगह को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। वाह वाह। और मैडम यहाँ बैठ के मुस्कुरा रही हैं, मुंदू मुंदू मुस्कुरा रही हैं। तो मैडम कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? इतने धीरे बोलोगे तो दर्शकों को कुछ नहीं सुनाई देगा। पीसफुल जगह में ज्यादा शोर नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे आदमी खाली शोर ही मचाते हैं। आइए आपको और पास से थोड़ा दिखाते हैं यहाँ पे कैसा व्यू है। फिलहाल तो ये शिप का व्यू बहुत ही मस्त लग रहा है एकदम। वो कहो ना प्यार में था ना, प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में, तो वैसा ही लग रहा है एकदम मस्त ना। अभी फिलहाल चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ऐसे बेंच पे बैठिए, पूरी शाम आपकी कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। देख रहे हैं एकदम मस्त। और बैठ के सनसेट देखिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अकेले या अपने लव्ड वन के साथ और इस टाउन का भी मज़ा लीजिए। सो अगर आप हैलिफैक्स आएँ तो लुनेनबर्ग ज़रूर आएँ। और अभी आगे हम एक बीच साइड पे भी जाएंगे, तो फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे हम क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं वो भी दिखाते हैं। फिलहाल दिस इज़ अगेन अटलांटिक ओशन फ्रॉम
लुनेनबर्ग। तब तक के लिए धन्यवाद।